तो आप यूं समझ लीजिए उससे जुड़े हजार डेढ़ हजार जो लोग हैं उन सबके घर में चूल्हे जलने लगते हैं, क्योंकि इस समय बहुत गरीब लोग भी काम करते हैं जो शायद लोगों को पता नहीं है। एक तरफ वो सारे लोग हैं आपके जैसे जो चाहते हैं कि यहाँ पे अपना काम खत्म करके अपना बैग पैक करें, शांति से घर जाए, बीवी बच्चों के साथ खेलें, आपके घर में भी सुख रहे, पड़ोसी के घर में भी सुख। अश्किन जैसी ये फिल्म चलती तो हमारे 4 साल उसमें लग गए, तो हमारे जैसे बेवकूफ तो नहीं होते ना, आप ये सवाल पूछने के लिए बैठी नहीं होती हमारे साथ में। जिनके पिता की हत्या हुई है, जिनके माँ के साथ बलात्कार हुआ है, जिनके बच्चों को माँ बाप के सामने भून डाला है, ऐसे लोगों से हम जाके मिले हैं। जेनोसाइड की बात कर रहे हैं अमेरिका में, वहाँ के जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, कल तो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे, फॉरेन मिनिस्टर जो थे ऑस्ट्रेलिया के, उन लोगों ने लिखा है इस फिल्म के बारे में। यूके में हमको बुलाया जा रहा है, वहाँ की पार्लियामेंट जो है मिनिस्टर्स, और ये इंडियन लोग नहीं है, इंडियन मीडिया नहीं है, तो वो सब यानी ये अलग ही दुनिया के जो लोग हैं वो कर रहे हैं इस फिल्म को। सबका बहुत प्रेम मिला है, बहुत ब्लेसिंग्स मिली है, आशीर्वाद मिले हैं, क्योंकि ये भारत का जन जन जो है चाहता था कि ये कहानी बताई जाए। 32 साल बाद ये कहानी हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत की है। आज हम सबसे पहले इस फिल्म को खत्म करने के, रिलीज करने के बाद जो सबसे पहले मैं तो यही कहूँ, पल्लवी जी इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी है, उनसे मेरी शादी भी हुई है, तो ये इनका ससुराल भी है, और अभिषेक जी हैं हालांकि तेलंगाना के, और एक ऐसे प्रोड्यूसर है जब कोई इस तरह के सब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा था तब अभिषेक जी इसको सपोर्ट करने आए, तो चूंकि मैं यूपी से अब ये भी यहाँ से जोड़ रहे हैं, तो इस फिल्म ने यहाँ से लेकर हैदराबाद तक जोड़ने का भी काम किया। तो हम तीनों आपके सामने हैं, अगर हम लोग एक अच्छे तरीके से एक एक करके प्रश्न पूछें बिना हिचक के, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं अगर वो फिल्म और फिल्म के दायरे से जुड़ा हो। सुनिए, हमारे पास बहुत वक्त है, आराम से करेंगे। अपना नाम बताए, आपको एप्लीकेशन तो बताया, सवाल। विवेक जी, मैं राजीव आहूजा पिक्चर व्यू से बोल रहा हूँ। कहाँ से? पिक्चर व्यू लखनऊ। कहाँ है आप? मैं हूँ। तो विवेक जी, आपकी फिल्म की जितनी सराहना हो रही है उसके साथ एक सवाल भी खड़ा हो रहा है, वो सवाल ये है, क्या 1984 के ऊपर भी ऐसी पिक्चर बननी चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, जो इस फिल्म में कमाई हो रही है वो उसका क्या क्या बेनिफिट आगे और फिल्म इंडस्ट्रीज को जाएगा? आपने 3 सवाल पूछ लिए, एक बोल तीनों का एक एक देता हूँ। पहला आपका सवाल था, क्या था पहला सवाल? 84 में बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, ऐसा नहीं, 84 में बहुत बनी है, पंजाबी में बहुत बनी है, अभी एक वेब सीरीज आई है ग्रैंड शायद उसका नाम है, वो उसके ऊपर आई है, 84 के ऊपर बहुत काम हो चुका है। लेकिन आप जैसी फिल्म मैं आ रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ, हमने अभी एक अपनी फिल्म अनाउंस की है दिल्ली वाइज, वो 84 के ही ऊपर नहीं है, लेकिन जो टेररिज्म 90 के दशक में फैला था उससे मिलती जुलती वो काम। उन सबके घर में चूल्हे जलने लगते हैं, क्योंकि इस फिल्म में बहुत गरीब लोग भी काम करते हैं जो शायद लोगों को पता नहीं है। चकाचौंध की दुनिया में आप लोग डायरेक्टर एक्टर जिससे मिलते हैं वो तो 10-12 ही होते हैं एक फिल्म में, लेकिन नीचे बहुत होते हैं, उन सबका फायदा होता है। जैसे मैंने आपको बताया इससे कितनी सारी इंडस्ट्रीज रिवाइव हो गई, और जहां तक ये पैसे की बात है, ये चूंकि भाई साहब हमें हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश और लखनऊ का नाम रोशन करना, तो थोड़ा सा व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखें। तो जो एक फिल्म होती है, चूंकि अभी तक सबको बेवकूफ बनाया जाता था, किसी को सत्य बताते नहीं थे कि फिल्म का बिजनेस होता क्या है, सुनने में ये बड़ा बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह से आता है, लेकिन समझिए आज आपका 100 रुपए आते हैं तो 100 रुपए में से पहले तो ये समझ लीजिए 50 रुपए थिएटर वाले ले जाते हैं, बचे 50, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर ले जाते हैं 15 रुपए, बचे कितने? 35 बचे, उसमें भी फिर पैसे का इंटरेस्ट जुड़ता है, फिर उसके ऊपर फिल्म की लागत निकलती, सब करके आखिर में जो बचता है वो घाटे में ही रहता है 16। तो ये नंबरों पे ज्यादा खुश ना होइए, नंबर सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, वस्तुतः स्थिति कुछ और होती है, लेकिन हाँ ये फिल्म कमाएगी तो हम लोग
टिपिकल बॉलीवुड जैसे नहीं है, हम इस फिल्म को इसी तरह की फिल्म बनाने में लगाएंगे। अभिषेक जी से ने मुझसे ये वादा किया है, आप ही बताइए आपका क्या विचार है। विवेक जी, ये फिल्म बनाने का विचार आपको कैसे आया? बात कर लीजिए, विचार कैसे? सबका धन्यवाद। हमारा यही विचार है कि इसमें जो पैसे हम कमाएंगे इससे इस तरह के ही हो सच्चे में भाग रहे हैं। मैंने और विवेक जी ने निश्चय किया है। कहाँ से आप रफ्तार मीडिया से? मेरा नाम फैज है। मेरा सवाल ये विवेक जी कि आपने इस फिल्म में दिखाया कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में दिखाया, उनके पे जुल्म हुआ है, लेकिन एक तरफ इसमें ये भी विवाद हो रहा है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित पर जुल्म नहीं हुआ बल्कि उसमें और भी समुदाय थे, सिख भी थे। आपने फिल्म देखी है? जी फिल्म देखी है? अभी नहीं देखी सर। तो फिर आप ये सवाल गलत कर रहे हैं, देखिए मतलब समझ में सवाल ये है कि सर यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। कमरे में नहीं, 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 कुछ सपा के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, ये विश्व जो है दो लोगों में बटा हुआ, राम और रावण, सत्य और असत्य। एक तरफ वो सारे लोग हैं आपके जैसे जो चाहते हैं कि यहाँ पे अपना काम खत्म करके अपना बैग पैक करें, शांति से घर जाएं, बीवी बच्चों के साथ खेलें, आपके घर में भी सुख रहे, पड़ोसी के घर में भी सुख रहे। ये सब मानवतावाद लोग जो मानवता में विश्वास रखते हैं कि कोई खून खराबा नहीं, किसी को मारना नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन उसके लिए हिंसा का प्रयोग नहीं। ये एक विश्व में मूलतः एक तरफ का वर्ग है। दूसरा वर्ग वो जो है जो बंदूकें उठा के लोगों को मारता है और उनके साथ जुड़े हुए इंडस्ट्री होती है, उनको बंदूक बेचने वाले, उनके साथ और तरह के धंधे व्यवसाय करने वाले, और उनको आइडियोलॉजिक सपोर्ट मतलब बौद्धिक सपोर्ट देने वाले लोग होते हैं। तो ये दुनिया जनरली ह्यूमैनिटी वाले लोग और टेररिज्म वाले लोगों में बटी हुई है। ह्यूमैनिटी वाले लोग जो है वो लाइन में लग लग के फिल्म को देख रहे हैं और रो रो के बाहर आ रहे हैं, और जो टेररिज्म वाले लोग हैं वो फिल्म को नहीं देख रहे हैं, बाहर बैठ के रो रहे हैं कि ये लोग फिल्म क्यों देख। तो ये विवाद सिर्फ इतना सा है, उसको अगर तूल देना हो तो दी जा सकती है। सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। एक सवाल है सर, कैसे मैं चार लोग का जवाब? सर, मैं काफी समय आप कहाँ से? सर, मेरा नाम शिखा सलाइया है, मैं द प्रिंस से हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो फिल्म है वो कितने प्रतिशत तथ्य है और कितने प्रतिशत कहानी है? हाउ मच ऑफ इट इज फैक्ट एंड हाउ मच ऑफ इट इज फिक्शन? ये बताइए जरा। How much of it is fiction? How much is it? Are you trying to fight with me or no, I'm trying to ask me a question? I'm just merely asking you, have you seen the film? I've seen the trailer. मेरी बात सुनिए, आप उत्तेजित मत होइए, हम यहाँ पे आपके सारे प्रश्नों के जवाब मैंने आपको इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो मेरा जवाब मैं दूसरे ढंग से दूंगी। ठीक है, तो आप नहीं पहले जवाब दीजिए, पहले जवाब ये बच्चों जैसे हम हरकतें ना करें। सबसे पहली बात ये है कि उसमें जितने भी इंसिडेंट्स हैं जो आपने ट्रेलर में भी देखे होंगे उसके एक्सर्प्ट्स, एवरी सिंगल थिंग हैज हैपेंड विद द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, ब्लड सो क्राइस्ट से लेके लास्ट के मैसेकर तक एवरी सिंगल इंसिडेंट इन द फिल्म इज ट्रू। विवेक ने और मैंने चार साल इस फिल्म पर रिसर्च किया है, सिंस 2018 वी बीन वर्किंग ऑन दिस फिल्म, एंड आई प्लीज टेल मी व्हिच फिल्म मेकर वर्थ हिज सॉल्ट इज गोइंग टू गिव 4 इयर्स टू अ फिल्म फॉर सच अ स्मॉल फिल्म व्हेन वी डिडंट नो व्हाट द फ्यूचर वाज। ये तो अभी इस तरह से चली, किसको पता था चलने वाली? ताशकंद जैसी ये फिल्म चलती तो हमारे चार साल उसमें लग गए, तो हमारे जैसे बेवकूफ तो हम ही होते ना, आप ये सवाल पूछने के लिए बैठी नहीं होती हमारे सामने। बट दीज आर द फिल्म्स वी मेक, दिस इज व्हाट वी आर कमिटेड टू डू। Okay?
कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट. वी वेंट आउट, वी नहीं, इन्होंने इंग्लिश में सवाल पूछा, लेट मी आंसर इन इंग्लिश. जर्मनी, सिंगापुर, थाईलैंड, जम्मू, दिल्ली, पुणे, वेयरएवर वी कुड फाइंड द फर्स्ट फैमिली ऑफ द विक्टिम, जिनके पिता की हत्या हुई है, जिनके माँ के साथ बलात्कार हुआ है, जिनके बच्चों को माँ बाप के सामने भून डाला है, ऐसे लोगों से हम जाके मिले हैं और हमने उनकी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इंटरव्यूज लिए हैं. एंड वी हैव दोस वीडियो इंटरव्यूज विद अस, जिसकी हम बहुत जल्दी वो भी आपके सामने लाने वाले हैं. सो इफ देयर इज एनीबॉडी हु इज अक्यूजिंग मी कि इसमें आपने जो दिखाया है वो इनकरेक्ट है, तो यू कैन कम एंड सी ऑल द 4000 आवर्स ऑफ रिसर्च दैट वी हैव ऑन वीडियो. सो देयर इज नथिंग फिक्शनल इन दिस फिल्म, इट्स ऑल बेस्ड ऑन दैट. आपको फिल्म की नॉलेज नहीं है इसलिए आप ऐसा सवाल कर रही हैं. और आपको अपनी नॉलेज की कोई बात नहीं सर, आप जवाब दे दीजिए, हम तो बच्चे हैं, आप दे दीजिए. हम तो बच्चे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा, आप क्या बोल रहे भाई साहब? मैं सारी दुनिया में जाके इतनी तारीफ करता हूँ उत्तर प्रदेश की, लड़ता हूँ, आप मेरे वीडियो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लिए मैं इतनी लड़ाई लड़ता हूँ, तो थोड़ा सा तो अपनी सभ्यता का वो रखें. आप 100 लोग सवाल पूछे, सबके जवाब दूंगा. पहली बात, एक बात सुनिए, ना तो आप पुलिस है ना हम चोर है, तो ये एक्यूजेशन वाली जो स्टाइल आजकल पड़ गई है ऐसे करके बात करनी की वैसे ना करें. आप कठिन से कठिन सवाल पूछिए, हम उसका जवाब देंगे. लेकिन ये आरोप लगाने वाली अगर आप बात करेंगे तो हम राजनेता नहीं है और हम ना हमारा ऑब्लिगेशन है उस तरह के सवालों का जवाब देंगे. ये बहन जी ने कुछ पूछा था, इनने सही सवाल पूछा था पर इनका तरीका गलत था. अगर यही सवाल फिर से ढंग से पूछे एक सभ्य तरीके से तो उसका सभ्य तरीके से जवाब दिया जाएगा. आप पूछे भाई साहब, पूछे मैं करता हूँ, मैं सब पे आता हूँ, मैं एक एक जल्दी यदि आप पूछे. पहली बात तो मुख्यमंत्री जी से किसी मुद्दे पे बात करने नहीं आए थे, उनने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया था तो हम उनसे मिलने आए थे. फिर उनकी जब कोई सफलता होती है वो भी जीत के आए हैं, शिष्टाचार यही होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं. मुख्यमंत्री जी ने हमें मिठाई खिलाई, उन्होंने हमको राम जन्मभूमि का एक वो दिया, हमने अपनी तरफ से उनको फूल दिए, हमने उनकी उनको बधाई दी. उसके बाद चूंकि मौका था मैंने उनको बताया कि मैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बहुत गरीब घर से निकला हूँ, इतना गरीब घर कि हमारे घर में दीवारें भी नहीं थी. शाहजहानपुर के पास धनेरा गांव है, वहां से घास फूस का घर था और करते करते मैं अपनी मेहनत और शिद्दत से आज हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ. तो हम भी उत्तर प्रदेश की गरिमा के लिए ही काम कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए. तो मैंने उनसे ये बोला कि जब कोई तमिलनाडु का व्यक्ति कोई उपलब्धि करके आता है, कोई गोल्ड मेडल लाए या कोई फिल्म बनाए, तो वो अपने तमिलनाडु जाता है सेलिब्रेट करने, तेलुगु वाला तेलुगु जाता है, बंगाली वाला बंगाल चले जाता है, हिंदी सिनेमा वाला कहाँ जाए, उसको तो बम्बई जाना पड़ता है महाराष्ट्र में. तो आप ऐसी स्थिति, आपने जो वादा किया है उसको करें अपने दूसरे कार्यकाल में. उन्हें तो बोला मैं तो तुरंत ही करने वाला हूँ, उसको काफी काम हो चुका है, उन्हें बताया मुझे सब कुछ, और उन्होंने बोला मैं इतना जरूर करूंगा कि अपने कार्यकाल में इसको हिंदी सिनेमा का मैं गढ़ बना दूंगा. और मुझे पूरा विश्वास है अगर योगी जी नहीं कर पाएंगे तो और कौन करेगा. कहाँ से आप? अरे पूछिए, तो भाई शिवसेना के पास तो दिन के 100-200 करोड़ आते हैं, उन्हीं के आदमी ने बताया था हफ्ते के, तो कुछ पैसा लगा दें और वो भी बना लें अपनी दूसरी फिल्म. आधा सच
ये उसी को हक है बोलने का आधा सच जो पूरा सच जानता। जिसको पूरा सच ही नहीं पता उसको क्या हक है बोलने का, और ये सवाल बनता ही नहीं है। विवेक जी, मेरा नाम आशीष त्रिवेदी है, मैं आप ये जानना चाहता हूँ। आशीष त्रिवेदी, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ, प्रिंट मीडिया, मैं ये जानना चाहता हूँ इस मूवी को बनाने के लिए विचार आपको कैसे दो है, ये बताइए। तीन चार सवाल ले लेते हैं एक साथ जवाब।